और साथ ही ये नहीं कि बातों से कह दिया, पूरी तरह साथ देंगे, तन से मन से और बल से भी इनका साथ देंगे, पूरी ताकत से देंगे और धन भी धन से भी कहा तो धन से भी देंगे। जहाँ लड़ाई की जरूरत पड़ी वहां लड़ाई भी करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है दूसरे दल के लोग अभी से ही धमकियां देनी शुरू की हुई है। हमारे किसी भी वर्कर को अगर कोई धमकी देगा तो हम उसके घर पहुंच गए, उसको वहां पर बताएंगे कि आपने क्यों धमकी दी। आज बात आती है, ये तो बलपूर्वक की बात कर रहा हूं, आज बात आती है कि 8 साल इनकी कमेटी, 6 साल एक प्रधान रहा, अब 2 साल के बाद दूसरा प्रधान आ गया। 123 करोड़ रुपया जब सरना सावर ने कमेटी छोड़ी तो गुरु के गोलक में था। उसके बाद आज के हालात देखें, आज दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का बजट जो है 110 करोड़ रुपए के करीब है और इसके अलावा 140 कह रहे हैं, पिछली बार जो एक्चुअली बोर्ड हुआ था उसमें 110 या 115 करोड़ का बनाया जनरल हाउस में। लेकिन और खर्चा कितना है यह सारी संगत जानती है। अब ठुमका देने का काम है सेवादारों का, ग्रंथियों का, मैनेजरों का, और जो खर्चा का कुछ पता नहीं साहब का। दूसरी बात कि पहले वो 123 करोड़ रुपया कहां खर्च हुआ, दूसरी बात 8 साल से जो हमारी जमीनें थी, जैसे वसंत विहार स्कूल था हमारा, पता नहीं कौन से जिम वाले को दे दिया, स्विमिंग पूल वाले को दे दिया, आज वहां पर झगड़ा चल रहा है। जहां जहां हमारी अच्छी तरह की जमीनें थी दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की, पता नहीं किस वजह से इन्होंने कहीं किसी को बैठा दिया, कहीं किसी को बैठा दिया। जैसे अभी फिलहाल ही 10 दिन पहले 15 दिन पहले इन्होंने किया, ये जो बातें मैं कह रहा हूं आपने छापनी जरूरी है, बतानी भी, क्योंकि ये धर्म का काम है। अभी हमारे पास गुरु हरकिशन हॉस्पिटल बाला साहब गुरुद्वारे में एक छोटा हॉस्पिटल चलता है जिसमें 30 या 40 या 50 बेड है और वहां पर डायलिसिस की भी मशीनें हैं, 5 हैं या 10 हैं या 15 हैं। अब इन्होंने क्या किया कि जो बड़ा हॉस्पिटल हमारा बनना था इनके कहने कर 8 साल में इन्होंने किसी ने उनका ध्यान नहीं दिया। अब जब समझ आया, ध्यान अगर देना भी था चलो आपने वहां पर, अब वहां पर इन्होंने डायलिसिस की मशीनें लगा दी एक हिस्से में। अगर आपने डायलिसिस की मशीनें लगानी है तो जो पुराना हॉस्पिटल है उसमें डायलिसिस की मशीनें और लगा दो, और वो जो 50 बेड का हॉस्पिटल है अगर आपने छोटा ही बनाना है तो उसको वहां पर ट्रांसफर करो। अब ये जो डायलिसिस की मशीनें लग गई हैं, अब इसके कारण हमारी आधी जमीन 25% उस पर चली गई है। अब ना मेडिकल हम कॉलेज यहाँ पर जो बनाने के सपने देख रखे हैं, हॉस्पिटल चलाने के सपने, क्योंकि इन्होंने कोई एनजीओ या क्या लेकर आए हैं उससे एग्रीमेंट कर लिया, अब वो कल खाली करे ना करे, जब सरना साहब ने एग्रीमेंट किया था तब इनके खिलाफ बोले थे, हम भी थे, हम मना नहीं कर रहे। लेकिन आज आप वही गलती कर रहे हो, आप गलती क्या कर रहे हो कि आज उसको एग्रीमेंट कर दिया, अब वो खाली हो गई नहीं कभी, आप जाके वहां देख लो। अरे बनाना है तो पूरा हॉस्पिटल बनाओ ना, नहीं तो ऐसे ही जमीन, हर एक को जो करोड़ों अरबों रुपए की जमीन है आप प्राइवेट कंपनी को दे जा रहे हैं। दूसरी बात
आपने कोई सुधार नहीं किया, कोई नया स्कूल नहीं खोला, ना कोई नई डिस्पेंसरी खोली, एक भी दिल्ली में गरीब कॉलोनियों में कोई डिस्पेंसरी नहीं खोली। और जो हमारा हॉस्पिटल है वहां पर भी चार्ज ले रहे हैं, डबल डबल चार्ज ले रहे हैं। मतलब इन्होंने कुछ ऐसा करके दिखाते हैं जिससे कि लोगों पे, जब से गुरुद्वारा कमेटी बनी है पहली बार ये हुआ, इतिहास में स्वर्ण अक्षरों पर लिखा जाएगा कि प्रेजिडेंटों के ऊपर FIR होगी, प्रेजिडेंटों के ऊपर FIR होगी। वो भी FIR कोई लड़ाई झगड़े की हो जाती कोई बात नहीं, आपस में गुत्थम गुत्था की हो जाती कोई बात नहीं, FIR हो ही किस चीज की है, करप्शन की, चोरी की। और आप उसका जवाब भी नहीं देते, कोई जवाब अभी तक दिया ही नहीं ना उन्होंने आज तक किसी केस पे, या इस्तीफा देते अगर किसी पर करप्शन का चार्ज है वो भी गुरुद्वारा कमेटी का, तो आप इस्तीफा दे, आप पदों पे रह के भी हम लड़ेंगे जी जब कोर्ट फैसला देगी। अरे FIR होगी तो जब तक कोर्ट का फैसला आएगा आप गुरुद्वारा कमेटी मेंबर से इस्तीफा दो, लेकिन नहीं, किसी ने नहीं किया। आज जो दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सबसे बड़ी बात है कि गरीबों के लिए नहीं किया कुछ भी, जो हमारी गरीब कॉलोनी में सिख रहते हैं उनके लिए कुछ नहीं हुआ। हम दिल्ली केंद्रीय गुरु सिंह सुबह पूरी सपोर्ट करेंगे और जहां पर भी हमारी ड्यूटी लगाई जाएगी हम मिलके, हाँ स्कूलों की बात, जो फीस तंका हो सुनो उनका जो पैसा कट के गवर्नमेंट को जाना है वो भी रख लिया, इससे बड़ी बात क्या होगी, वो भी रख लिया। इनको तो यही है कि जहां पर अपना फायदा है वो काम करते जाओ बाकी छोड़, पर इनको कोई कमी भी नहीं है, या तो कोई कमी हो। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि आने वाले चुनाव में जितनी गुरसिंह सभा दिल्ली की है एक और होके, अभी ये कह रहे थे रविंदर सरना जी और परमजीत सरना जी कि हम आधे से ऊपर, हम कम से कम नहीं तो दिल्ली में 46 में से 41 सीटें लेके जाएंगे, ये आज मैं दावे से कहता हूँ।